वैसे भी सवाल ये है कि क्या अब बड़े और प्रभावशाली लोगों को आगे आना होगा, टीका लगवाना चाहिए ताकि लोगों की हिचकिचाहट जो है वो दूर हो सके। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान डॉक्टर अशोक सेठ, चेयरमैन है फोर्टिस एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट के। डॉक्टर सेठ ने कल ही टीका लगवाया है। इसके अलावा हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल पंडित, डायरेक्टर हैं फोर्टिस अस्पताल में इंटेंसिव केयर के और साथ ही महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के सदस्य भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर श्वेत, आपने कल ही टीका लगवाया है, आपके अनुभव हम सबसे पहले जानना चाहेंगे। क्या किसी तरह के कोई साइड इफेक्ट हुए कल से अब तक, क्या क्या आपने महसूस किया? एक तो मैं कह दूं कि मैं तो डिसअपॉइंटेड था, दो दिन से मेरा नाम नहीं आ रहा था और मैं एक्चुअली बहुत कीन था कि वैक्सीन लगे, कई वजह से जो हम बाद में बात करेंगे, बट लकीली मुझे कल यस्टरडे में मौका मिला वैक्सीन लगाने का। इनफैक्ट न मुझे कोई तकलीफ हुई, न मुझे कोई साइड इफेक्ट हुआ। मैंने तो वैसे भी प्लान किया था कि उसके बाद मैं केसेस करूंगा और मेरा 11:30 बजे वैक्सीनेशन हुआ और मैं रात के 9 बजे तक प्रोसीजर्स करता रहा। 14 प्रोसीजर्स मैंने किए, एंजियोप्लास्टीज और एंजियोग्राफीज, और मैं स्वस्थ रहा और आज भी मैं स्वस्थ हूं और बिल्कुल ठीक से काम कर रहा हूं। तो आई थिंक रियलाइज करने की बात है कि जितने भी हम साइड इफेक्ट सोचते हैं वो बड़े माइनर होते हैं। मुझे तो दर्द भी नहीं हुई, बट अगर दर्द होता या थोड़ा सा बुखार होता तो वो कोई बड़ी चीज नहीं है और उसकी वजह से ना हमें डरना है। तो एक ये भी बता दूं कि आप जितने बता रहे हो कि कंसर्न्स हैं वो स्वाभाविक हैं, बट डिसअपॉइंटिंग भी है कि हेल्थ केयर वर्कर्स को क्यों नहीं आगे आके वैक्सीन लगा रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि एक वर्ग हेल्थ केयर वर्कर्स का वो भी है जो कि ओवर कीन है, कहता है कि हमें वैक्सीन लगाओ, ये जो नहीं लगा रहे उनकी जगह पे हमारा नंबर आए और हम लगाना चाहते हैं। सो देयर इज अ पैराडॉक्स हियर और हमें उसको दूर करना है। हमें लोगों को कंफर्ट देना है, कॉन्फिडेंस देना है कि देखिए मुझे, मेरी तो एज 65 है और फिर भी मैं स्वस्थ हूं, ठीक हूं और मुझे तो कोई परेशानी नहीं हुई। मुझे तो इनफैक्ट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई कि लोग मुझे देखें। मैं तो बचने से अलग बात है, बट मैं दूसरों को बचाऊं और पूरे देश के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपना। बिल्कुल डॉक्टर सिरा, इसीलिए हम लोग रोज अपने शो पर ऐसे डॉक्टर्स को, ऐसे विशेषज्ञों को बुला रहे हैं जिन्होंने वैक्सीन लिया है, ताकि जो हिचकिचाहट है, ये जो डर है, ये थोड़ा कम हो। डॉक्टर राहुल पंडित, आप जो महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स है उसके सदस्य भी हैं, किस तरह की दिक्कतें आपके सामने आ रही है, क्योंकि वहां पर भी स्वास्थ्यकर्मी कम तादाद में सामने आ रहे हैं, काउंसलिंग तक करनी पड़ रही है, किस तरह की वजह वो लोग दे रहे हैं जब वो लोग पीछे हट रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए? तो मैं मेरी कहानी थोड़ी बता दूं। मैंने वैक्सीन शनिवार के दिन, पहले दिन मुझे वैक्सीन मिली 16 तारीख को, और वो तो फोन कॉल जो आया फ्राइडे शाम को, कि SMS आया फ्राइडे शाम को फोन कॉल कि आपको वैक्सीन मिल रही है। मैं बहुत कीन था कि वैक्सीन लगा लो, क्योंकि मुझे खुद कोविड हुआ था मई महीने में। मैं जानता हूं कि एक बार जाने के, कोविड से गुजरने के बाद मैं दूसरी बार वापस कोविड इन्फेक्शन नहीं चाहता हूं। अब ये स्वास्थ्यकर्मी का जो मुझे डर है वो बहुत निराशाजनक है, ये डर रहना नहीं चाहिए। महाराष्ट्र में दो प्रकार के डॉक्टर्स या स्वास्थ्यकर्मी में देख रहा हूँ। एक जैसे कि डॉक्टर सेठ साहब ने कहा कि बहुत कीन है, वो तो ऐसा सोच रहे कि उनका नंबर क्यों नहीं आ रहा है, और दूसरे है कि थोड़े बहुत सहे हुए, थोड़े बहुत डरे हुए हैं। और ये तो साइड इफेक्ट की बात हो रही है, साइड इफेक्ट नहीं है, ये तो वैक्सीन के इफेक्ट है। मुझे भी थोड़ा हल्का सा बुखार हुआ संडे के दिन, फॉर्चुनेटली छुट्टी थी उस दिन, तो मुझे कुछ ज्यादा काम नहीं करना पड़ा, पर सैटरडे में पूरा दिन वर्किंग था जिस दिन वैक्सीन दी। दूसरी बात, एक मामले में तकलीफ ये हो रही है कि कोविन ऐप जो है वो इस पर बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है कहीं कई जगह पे, तो जो मैसेजेस जा रहे हैं वो काफी बहुत मैनुअली फोन कॉल पे जा रहे हैं, तो शायद वो थोड़ा इंप्रूव हो जाए तो स्वास्थ्यकर्मी जो है और वैक्सीन भी लगवा दें। तो मैं ये बहुत दिल से अपील करना चाहूंगा सब स्वास्थ्यकर्मियों के लिए कि कृपया ना डरे। ये जो आप इफेक्ट्स की बात करें, साइड इफेक्ट्स की बात करें, ये बहुत मामूली है, और एक पैरासिटामोल टैबलेट लेके जो है या फिर थोड़ा बहुत रेस्ट लेके जो है ये पूरी तरह से कंट्रोल हो जाते हैं, 24 आवर्स में ऑलमोस्ट यूर बैक टू नॉर्मल। और ऐसा कोई नॉर्मल सी भी नहीं, थोड़ा बदन दर्द है, थोड़ा बहुत हल्का बुखार है, जो कि बिल्कुल आपको उसको डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए इन सिम्टम्स में। ये सिम्टम्स उनके अच्छे है कि आपको वैक्सीन के बाद कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इफेक्ट हो रहा है। आई वुड से यू शुड टेक दैट एज अ पॉजिटिव सिम्टम और उसके हिसाब से आगे बढ़े। बिल्कुल डॉक्टर सेठ, क्या आपको लगता है, जिस तरह से हमने अभी दो बयान भी सुनवाए थे नीति आयोग के वीके पॉल के और डॉक्टर बलराम भार्गव है, उनके भी चिंता वो लोग जाहिर कर रहे हैं, स्वास्थ्यकर्मी आगे नहीं आ रहे, क्या आपको लगता है कि अब वो वक्त आ गया है जब प्रभावशाली लोगों को आगे आना चाहिए? हमने दूसरे देशों में भी देखा कि जब बड़े लोग या राजनीतिज्ञ जब आगे आ रहे थे तो उसके बाद कुछ लोगों की जो हेजिटेंसी है वो कम हुई थी। हमने देखा था जो बाइडेन जो है उन्होंने टीका लगवाया था, कमला हैरिस ने टीका लगवाया था, वहां पर भी बहुत हेजिटेंसी देखी गई थी। क्या आपको लगता है हमारे
हमारे देश में भी प्रभावशाली लोगों को आगे आना चाहिए, प्रधानमंत्री जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री इन लोगों को भी टीका लगवाना चाहिए ताकि थोड़ा फर्क आए लोगों की मानसिकता में? देखिए ये जो हेजिटेंसी है नेचुरल है, हर वैक्सीन के साथ आई थी, हर देश में आ रही है, और ये वो लोग नहीं है बाय द वे 20% लोग हैं जो कि सोचते हैं कि वैक्सीन जरूर लगवाएंगे, पहले दूसरे लोग लगवा लें, दैट इज ऑल। तो ये जरूर ड्राइव पिकअप करेगी। सेकंड बात ये है कि ड्राइव तभी पिकअप करती है ज्यादा लोग लगाएं, और मैं गवर्नमेंट को एक सुझाव देना चाहता हूं कि जब देख ही रहे हैं कि 30% कम लोग लगा रहे हैं, 40% कम लोग लगा रहे हैं, तो थोड़ा ओपन कर दें, बिकॉज एक दूसरा वर्ग है जो कि क्लीन है, जिनका नंबर नहीं आ रहा। तो ये जितनी भी हमारी एम है कि 100 लोगों को एक सेंटर में लगे, 100 लोग इजिली पूरे हो सकते हैं, और उनको देख के दूसरे लोग जो कहते हैं कि ठीक है हम 5 दिन बाद लगवा लेंगे, उनका भी नंबर आएगा और तब तक वो लगवा लेंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि वैक्सीन सेफ है, इफेक्टिव है। थर्ड बात यह है कि मैं जो आपने पूछा कि क्या प्रभावशाली लोगों को लगाना चाहिए, देखिए वॉलंट्री है, और हम लोग से डॉक्टरों से प्रभावशाली आइकॉनिक कौन लोग हो सकते हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स से प्रभावित और कौन लोग हो सकते हैं? तो मैं तो कहूंगा ये हमारे डॉक्टरों हेल्थ केयर वर्कर्स का फर्ज है कि आप सामने आए। मैं ये नहीं कहना चाहता कि कोई बड़ा आदमी लगाए, बड़ा आदमी का असर उतना ही होता है जितना कि एक डॉक्टर जिसके हजारों लाखों पेशेंट्स जिनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, हमें वो अपना आइकॉन मानते हैं, हमें वो अपने कहते हैं कि हमने ठीक किया। हर डॉक्टर के साथ लाखों पेशेंट जुड़े होते हैं, उनकी फैमिली जुड़ी होती है, तो हम एज हेल्थ केयर वर्कर सामने आए, खुशी खुशी से लगवाएं, और लोगों की डिस्पेल करें जो भी मिथ्स है, रूमर्स है, लोगों से वार्तालाप करें, इंफॉर्मेशन। बाय द वे जो भी चीज वॉलंटरी होती है उसका मकसद होता है कि इंफॉर्मेशन देना सो दैट हम अफवाहों को दूर कर सकते। सो ट्रांसपेरेंसी एंड इंफॉर्मेशन इज द बेस्ट, वो गवर्नमेंट की तरफ से भी आना चाहिए। मैं तो गवर्नमेंट को एक सुझाव देना चाहता हूं कि ये ना कहें कि जी आप हर एक को लगाना चाहिए, क्यों नहीं लगा रहे। इनफैक्ट ट्रांसपेरेंसी लाएं, मोर फैक्ट्स दें, पब्लिक को समझाएं, वही सबसे बड़ा रास्ता होगा। बिल्कुल, जितना ज्यादा आंकड़े सामने आएंगे, जितनी ज्यादा जांच सामने आएंगी, उतना ही ज्यादा लोगों के भीतर का जो शंकाएं हैं वो भी दूर होंगी। डॉक्टर पंडित, आप मुंबई में हैं, हमने देखा था कि किस तरह से जब पोलियो का अभियान चलाया गया था उसमें जब अमिताभ बच्चन जैसे चेहरे को जोड़ा गया था तो कितना फर्क आया था, और उसके बाद हमने उस पर कामयाबी भी हासिल की। आपको लगता है जो सवाल मैंने डॉक्टर सेठ से पूछा वही मैं आपसे पूछना चाह रही हूं कि ऐसे चेहरे जिनसे ज्यादा लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो चाहे वो सेलिब्रिटीज हो, उनको आगे आना चाहिए, उनको पहले वैक्सीन लगवा देना चाहिए थोड़ा बहुत, और उसके बाद थोड़ा फर्क पड़ेगा उससे? मैं अशोक सर से सहमत हूं पूरी तरह से कि अगर ये तो डॉक्टर्स ने बताना है सबको कि ये वैक्सीन सेफ है, यहाँ पे व्हाई डू यू नीड पॉलिटिशियंस या कोई फिल्म स्टार बताए कि ये वैक्सीन सेफ है, अगर डॉक्टर खुद ले रहे हैं और ये सेफ्टी बता रहे हैं, क्योंकि हम तो रिसर्च पढ़ते हैं, हम उसके बारे में सब जानते हैं, बिल्कुल डॉक्टर्स लगाए, यही सबसे बड़ी प्रेरणा होनी चाहिए। और आप जो बात कह रहे हैं उसमें भी तथ्य है, मैं ना नहीं कहूंगा बिल्कुल, क्योंकि काफी लोग अपने आप को सेलिब्रिटी के साथ एसोसिएट करते हैं, तो ये करने में कोई हर्ज नहीं है। पर मेरे ख्याल से इस वक्त जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो धारणा है कि जो सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाले हैं इस कोविड से, उनको पहले सुरक्षा मिले, तो इसमें हम डॉक्टर्स का कर्तव्य है कि इंफॉर्मेशन देखे और वॉलंटरली जाके जो है वैक्सीन ले, ताकि लोगों में जो है कॉन्फिडेंस बढ़े। तो मैं आपकी बात पूरी तरह से ठुकराऊंगा नहीं, जरूर उसमें कुछ ना कुछ तथ्य है, पर मेरे ख्याल से फिर भी डॉक्टर्स जो है काफी इन्फ्लुएंस पाते हैं और काफी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को, और अगर हम लोग ये पूरी तरह से एकजुट होकर वैक्सीन ले ले तो ये जो डर है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशोक से, डॉक्टर राहुल पंडित, आप दोनों जुड़े और महत्वपूर्ण जानकारियां आपने साझा की।